नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के आए हुए 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर हिंदी भाषा में लिया गया है और सॉल्यूशन जो है हम आपको हिंदी में ही बताएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा इंग्लिश में होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि ये सारा पेपर हिंदी मीडियम में, सॉल्यूशन तो मैथ्स के जानते ही आप इंग्लिश में ही रहता है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम मैथ्स के 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा साहब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। वैल्यू हम रख देंगे एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, इसको रख के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 8 - 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 2 × 9 - 6 = 3 डिवाइड में 1 तो रहेगा, 1 का कोई यूज नहीं है। 1 = 2 - 1 = 1 प्लस 3 × 1 = 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन, नीचे 2 × 4 = 8 = 9 इंटू 3 × 3 = 9 - 1 = 8 ऊपर, नीचे 2 × 4 - 1 = 3। इसको सॉल्व करना है। आप देखिए इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए। ऊपर कितना आ जाएगा 7/6 × 9/7 × 8/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ गया, 7 से 7 गया, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ईजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल बना लीजिए आप ABC। कह रहा है कि AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया, D और E तक बढ़ा दिया गया, और DBC का और इसका द्विभाजक खींचते हैं जो कि F पर मिलता है, और BFC की वैल्यू पूछी है। एंगल B दे रखा है, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 68, ये 32 दे रखा है। तो क्या हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 180 - 10, 68 + 32 कितना हो जाएगा 100, कर दीजिए कितना आ गया 80। ये एंगल कितना है 80 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 - θ/2, 90 - 80/2 मतलब 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है एवरेज से आया हुआ है, समानुपाती पूछा है। ये जो वैल्यू है समानुपात में दे रखे हैं, तो हम लोग इसका समानुपात निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो कर लीजिए 5 × 10x + 5 = 2x + 4। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8x = -1, x = -1/8। एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका मध्य अनुपाती पूछ रहा है, याद रखिए इसका क्या पूछा है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा देखिए 3.5, 1 - x रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 × 9/8 × 8, 1 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा 7/8। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं। यहाँ से देखिए 7 × 5 = 35, सब आएगा, घबराइए मत। 8 2 2 आ रहा है क्या नीचे, एक मिनट गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, आप लोग उसको टेंशन मत लीजिए। 7 + 7 = 9 है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए अंडर रूट से, 7 भी बाहर निकाल लीजिए। अंडर रूट में क्या बचा, 0.5 बचा, 5/80 / 4 आ जाएगा, 7 × 21 / 4, अब कितना आ गया 5.25 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। देख रहे हैं कैलकुलेशन है, लेकिन आसान तरीके से हम कर सकते हैं। सारे पॉइंट को हटा के मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। sec θ - tan θ की जब भी वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, sec θ + tan θ की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा, y/x, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, sec θ की वैल्यू आ जाएगी 2 sec θ, कितनी आ जाएगी x² + y² / xy। अब ये 2 है जो नीचे चला जाएगा, ये 2 कहाँ है आपका, नीचे चला जाएगा, 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस वो ट्रिपल लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, sec θ क्या कहता है कि हम जो लेंगे आपके पास में x² + y² ऊपर लेंगे और 2xy नीचे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि वाई जो है एक्स से बड़ा है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे y² - x², ये ट्रिपलेट आपको याद है। अब sin θ की वैल्यू क्या होगी, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ड हो जाएगा, लंब बटा में कर्ड। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सोनू अपनी आय का 15% बचत करता है। ठीक है, हम 15% बचा लेंगे। सोनू की आय कितनी है, 100 है, 85 खर्च कर दिया, 15 रुपये बचा लिया। इसकी आय जो है 120 रुपये हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। अब वो पहले ही जितनी बचत करता है 15 ही रुपये बचाता है, तो कितने रुपये खर्च कर दिया, 105 रुपये कर दिया। तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 20 रुपये की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज में बताना है, 20/85 × 2000 × 100 इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, 5 × 20, 5 × 5, 3 × 5 = 35, 400/17, 17 × 34 और 6 × 17 = 51 और 9 × 17 = 85, लगभग आपका चला गया 23.5। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, ये हटाओ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, समझ गए, वहाँ पे आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिगो से आया हुआ, 10/30 की वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ईजी क्वेश्चन, 1/√3 cos x 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 प्लस 10 x 60 की √3 और sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, sin² 31/4 प्लस 4 cot² 45 माइनस sec² 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, sec² 60 की वैल्यू हो जाएगी 4। एक मिनट, लाइट कट गई तो लाइट चेंज करके आता हूँ। को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 2/3 + 2 / 1/4। इसको जब हल करेंगे, 3 × 6 = 6, 2 × 8 = 8/3 ऊपर चला जाएगा, 32/3 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख रहे पेपर आसान है, बस कैलकुलेटिव है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, ऐसा तो आएगा ही, CGL की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो कैलकुलेशन से डरिए मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर थीटा की हम देखेंगे वैल्यू पुटिंग से, क्या वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं 1/2, 1/2 × 14 नहीं, वैल्यू पुटिंग यहाँ पर फेल हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 × 15/4 256 नहीं, वैल्यू पुटिंग फेल हो गया था, हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा क्या आएगा, तो हम लोग एक बार कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू एक बार हम लोग चेक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे हम रखते हैं, निकालते हैं, 5 sin² θ है, तो इसको हम मान लेते हैं 5 − 5 x² cos θ को x मान लिया, प्लस 14 x = 30। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब cos θ की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 5 x² − 14 x प्लस, उधर सब भेज रहा हूँ, 13 है तो इसमें 5 चला जाएगा, 8 × 5 = 40 −10 − 4 x की वैल्यू जो आपके सामने आ गई, 5 कॉमन ले लीजिए, एक तो 2 आ जाएगी, 2 पॉसिबल नहीं है। अब x की वैल्यू कितनी आ सकती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 x कॉमन ले लिया, तो क्या बताया, x − 2, यहाँ से −4 कॉमन ले लिया, तो एक x की वैल्यू जो आपके सामने आ जाएगी 4/5 आ जाएगी, x − 2। तो यहाँ पे दो फैक्टर बने, कि ये किए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। x क्या माना था हमने, cos θ, cos θ की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 4/5, मतलब 4/5, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, sec θ की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, sec θ की वैल्यू हो जाएगी आपके 5/4 प्लस cot θ 4/3 अपॉन cosec θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 प्लस 3/4, नीचे देखिए 12 कट जाएगा, 5 × 15, 4 × 16, ऊपर 31/29 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, कह रहा है 5 मेज और 9 कुर्सियों का मूल्य, 5 मेज और 9 कुर्सियों का जो मूल्य है, टोटल मूल्य कर लिया आपका 15,400 है, और 10% लाभ पर भेजा, मतलब 5 कुर्सियों को 10% लाभ पर भेजेगा, मतलब m/2 का लाभ होगा प्लस 9k/5 का लाभ हो गया, 20% लाभ पे भेजा तो टोटल कितना, 2080 का लाभ होता है। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देख रहे हैं, इसको हम बना सकते हैं 5m + 18k = 20800। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, ख़त्म, ये और ये कैंसिल हो गया, 18 ये 9k बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5400। तो हमसे किसकी वैल्यू बचा, 3 कुर्सियों की, मतलब 3k की वैल्यू बचा है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7
कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मतलब सरलीकरण, इसको सॉल्व करना है। तब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। 7 माइनस अरे यार लिख नहीं पा रहा हूँ इस पेन से, 7 माइनस, चलिए अब देख लीजिए, 4 प्लस 3, 2 दुना के 4, 5 में 4 गया कितना बचेगा 1, 5 7 4 3, यहाँ पे 3 बचा, -8/5 अपॉन 2/, अब देखिए हमें 2 ऑफ को हम पहले लिख लेंगे, उसको हल करना होगा तो कर लेंगे, 4 × 4 = 16/1 4 × 16 = 17/4 आ गया नीचे। गलत होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि तरीका देख रहे हैं ऐसे ही करना है। 3 × 3 = 9 / 4 = 5, 5 में 5 कट गया तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ऊपर कितना बचा, 1 बचा। और नीचे देखिए अब एक गुणा करना है, 2 × 4 कट गया, 17/2 बचा, ऊपर चला जाएगा तो 4/17 बच जाएगा, तो 7 में से 1 गया मतलब 6/4 × 17, 2 × 3 = 2 × 4, 17 × 51/2 मतलब 25 सही, 1/2, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको लेंदी कर देते हैं। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 55 मिनट में जाती है, मतलब 55/60, इसको हम लोग घंटे में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा 11/12। अब देखिए 3/5 3 से गई, अब कर आएगी 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर 1 घंटे 25 मिनट में जाती है, मतलब 1 सही 25/60, इसको भी बदल लीजिए कितना खर्चेगा, 5/12, 12/5 17, 17/12, ये भी घंटे में आ गया। अब इन दोनों को हल कर देंगे हम, इन दोनों को हल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, माइनस करने में 9 × 3 = 27, 4 भी यहाँ से 7 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा, 4 × 11 = 17 जोड़ दीजिए, 7 × 1 = 8, 1 × 1 = 2 = 28, जोड़ के 44 से यहाँ पे 51 है, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 44 से 51, 7/12, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये आपने क्या माना था, b+w, तो b+w की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 12 आ गई, b+w की वैल्यू 12 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, b+w की वैल्यू 12 आ गई है, इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए कितना समय लेगा, आ गया 12 × 36, 12 × 36, 12 × 5 = 72, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन आया करा है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, डीलर बी ने कितनी कंप्यूटर बेचे, बहुत ज़्यादा बेचा भैया, संख्या कितने महीनों में, डीलर सी द्वारा 6 महीने बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम है, सी का औसत निकालना है, एवरेज निकाल लीजिए, 5 × 4 = 9, 9 × 18 = 20 को 0 हाथ में लगा दो, 9 × 9 = 18, 2 × 20 = 0 हाथ में लगा दो, 9 × 9 = 18, 2 × 20 = 0 हाथ में लगा दो, 1, 2, 3, 4, 2, 6 × 6 = 600 आ गया इसका, समझ रहे हैं, तो 100 हो गया औसत। कह रहा है कि बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर से कितने महीनों में कम थी, कम थी मतलब 1, 2, 3, 4, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने में कम थी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे कर देंगे, 3/5 से कर देंगे तो बन जाएगा 3x + 1/5x = 4 × 3 = 12/5। अब हमें 9x² निकालना है तो 144/25, 144 है माइनस 2 × 6/5, इसको हल कर लीजिए, 25 नीचे आ जाएगा, 144 ऊपर चला जाएगा, माइनस 30 ऊपर आ जाएगा, कितना बचा, 4 × 4 = 3, 114/25 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, कह रहा है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, ये 5 है तो ये 6, सी जो है बी से कुशल है। अब कह रहा है उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, 5 × 9 = 15, 15 × 45 काम हो गया, काम कितना था, कह रहा है ए ने 30 दिनों में पूरा काम कर सकता था, काम था आपके पास 4 × 4 = 12, 120 काम था, माइनस कर लीजिए कितना बचा, 5 × 11 = 7 = 7, 75 काम बचा, बी को अकेले करना है तो कितने दिन में करेगी, 15 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या निकाल लीजिए। फरवरी अप्रैल 8, 4, 12, 8, 20 को जीरो हाथ में लगा 2, 9, 9, 18, 2, 20 को जीरो हाथ में लगा 1, 9, 9, 18, 2, 20 को जीरो हाथ में लगा 2, 1, 2, 1, 3 300 आया, मतलब मल्टीपल है, हो सकता है। डी द्वारा मार्च मई और जून मतलब ये नीचे के तीनों, ठीक है। 9, 1, 10 को जीरो, 9, 8, 9, 3, 27 ये आ गया 0, 0, 10/9। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 16 मिनट हो गया भाई, बहुत टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश क्वेश्चन जल्दी करते हैं। 15वां क्वेश्चन, पेपर अच्छे लेवल का है। बी द्वारा कह रहा है कि अप्रैल मई जून में बेचे गए 8, 8, 16, 5, 21 को एक हाथ में लगा 2, 9, 9, 18, 2, 20 को जीरो हाथ में लगा 2, 2, 1, 3 301। फरवरी और अप्रैल में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, फरवरी और अप्रैल निकालिए, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 6, 16, 4, 20, 20 जीरो हाथ में लगा 2, 9, 9, 18, 2, 20 को जीरो, 9, 9, 18, 2, 20 को जीरो, 2, 2, 4, 400 ये प्लस अप्रैल का देख लीजिए, 9, 6, 15, 7, 7, 14, 15, 32 को जीरो हाथ में लगा 3, 9, 9, 18, 9, 3, 27, 3, 30 को जीरो हाथ में 3, 3, 1, 4, 4, 4, 800 मतलब 301/8 कर दीजिए, कितना आ गया, 8, 3, 24, 8, 28, 64 सही, 3/8 ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां नंबर का जो है सीआईएस आयोग क्वेश्चन है, कह रहा है 12,000 की राशि इतने वर्षों के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 साल पे है तो 8% का 8% हो जाएगा 8%, और 5/8 का कितना हो जाएगा 5%। अब इन तीनों का कंबाइन निकाल लीजिए, कितना आएगा, कंबाइन अगर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। अब देखिए निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, उससे भी निकाल सकते हैं, वैसे निकालेंगे तो कितना आएगा 22.472 इतना परसेंट आएगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 में, तो इससे करेंगे तो आप 12.5, 60 को जीरो हाथ में लगा 6, 12, 24, 6, 12, 24 2700 के नीचे आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है ट्रेंगल ए बी सी में ए बी जो है ए सी के बराबर है, बी से एक सर्कल खींचा गया जो ए को टच करता है, ए बी को बिंदु पी पर काटता है, मतलब पी पे इसने काट दिया और इसको टच करता है डी को, टच कर दिया, ठीक है, डी को टच कर दिया, ये दोनों बराबर है, मतलब ये एक्स है तो ये एक्स है, ये पूरा दूरी कितना हो गया 2x हो गया, और ए पी की लंबाई दे रखी है कितनी 2.5, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू 2x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई, हमसे ए बी की वैल्यू पूछा, मतलब 2x की वैल्यू पूछा है, तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 100 रुपये हैं, 82 वो करना है, 6.6% का लाभ चाहिए, 106.6 चाहिए, कितने रुपये अधिक चाहिए इसको, 24.6 इतने का लाभ चाहिए, कर दीजिए 82 × 100 कर दीजिए 3.35 में कट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड 30 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून, अरे बाप रे सबको ऐड करना होगा, और जून में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, चलिए कल ये 5, 4, 9, 8, 8, 16, 8, 8, 16, 4, 20, 30 जीरो हाथ में लगा 3, 3 हो गया 9 × 9, 9, 18, 9, 3, 27, 3, 30, 8, 38 को 8 हो गया 3 हो गया 3, 1, 4 ऊपर वाले 480 आ गया, नीचे वाले देख लीजिए 8, 2, 10, 5, 15, 1, 16 को 6 हाथ में लगा 1, 9, 9, 18, 1, 19 को 9 हाथ में लगा 1, 1, 2, 3 396 तो कितने प्रतिशत अधिक है, 480 10 में 6 जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा 7, 1, 8 84 अधिक है 396 पे, कर दीजिए ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिए, दो बार ले जाइए 2 × 12 = 2, 2 × 9 = 18, 1 × 19 = 9 आत्म लगा 2, 3, 6, 7, 792 हो गया, ये 840 है,
10 में 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 480 बचा, एक बार और जाएगा 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कर 12 संख्या का औसत इतना है, पहली चार संख्या का औसत देख लीजिए कितना है 41.5, अगली पाँच संख्या का औसत कितना है देख लीजिए 48, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं संख्या जो है एक्स है, तो ये एक्स प्लस 4 है और ये एक्स माइनस 5 है, सबका औसत कितना है 45.5 है। ये कितना अधिक है देखिए, ये माइनस 4 कम है मतलब माइनस 4 से कोई 16, ये कितना अधिक है आपका 45.5 पे, कितना अधिक है 45.5 पे आपका कितना अधिक है ये देख लीजिए, ये आपका करीब 45.5 माइनस कर लीजिए 48 से, देख लीजिए कितना अधिक है 25 के आसपास, 2.5 अधिक है, 2.5 अधिक है तो कितना आ जाएगा प्लस 12.5 आ जाएगा, तो टोटल कितना कम है 3.5 कम है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3.5 अधिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब देखिए आप आपके सामने ये क्वेश्चन बताए, इसको हटा दीजिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है सिंपल सा, तो अब इसको हमें हल करना है, मतलब आपके सामने ये क्वेश्चन रहा एक्स प्लस 4 एक्स और एक्स माइनस 5 45.5 इनका औसत है और कितना अधिक है प्लस 3.5 अधिक है, निकाल लीजिए 45.5 इंटू 3 प्लस 3.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 ये आ गया। अभी इसका देख लीजिए सबका हम औसत निकाल दिए, 1, 2, 3x माइनस 1 इजक्ल टू कितना है 140, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 141 बटा में 3, x की वैल्यू आ गई आपके सामने 141 बटा में 3 मतलब 47 x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 47 आ गई, ये x से x माइनस 5 है, ये x प्लस 4 है, x की वैल्यू कितनी है 47 आ गई, हमें एवरेज निकालना है तो इन दोनों को निकाल लीजिए 2x माइनस 1 बाई 2 मतलब x माइनस 1 बाई 2 करना है, 47 में से 1/2 माइनस करना है 46.5 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा वो बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पता नहीं क्यों टीयर 1 में दे दिया है, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे परिधि दे रखा है शंकु का, तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 21/2 और शंकु की ऊंचाई दे रखी है 36, ये बना ये 21/2 है, ये 36 है, तो ये कितना बन जाएगा 75/2 देख लीजिए, ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए 7, 24, 25 है ना, तो ये कितना गुना हो गया 3/2 गुना हो गया, 21 हो गया, तो ये भी 3/2 गुना हो जाएगा 75/2 आ गया, एल की वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या कर लेंगे पाई आर एल कर लेंगे 22/7 गुड़े 21/2 गुड़े 75/2 7 × 21 2 × 11 33 × 75/2 विल बी आंसर, 33 × 75/2 विल बी आंसर। देख लीजिए 5 × 15 = 5 आत्म लगा 1, 7 × 21 5 × 15 15 × 36 37 = 7 आत्म लगा 3, 7 × 21 3 × 24/2 आप लोग भी इतनी तेजी से कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे हम कर रहे हैं 37.5 ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत लेट हो रहा है। एक चक्री चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी है 16.5, ये एक्स है, ये 11 है, ये 19.8 है, अब ये है ये है ये इसको समद्विभाजित कर रहा था, हम पहले ही बता रखें इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो कर लीजिए क्या है एक्स इंटू 16.5 इजक्ल टू 11 × 19.8 11 1.5 से कट गया, ये कर दीजिए 15 × 15 15 × 45 15 × 30 ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 23 क्वेश्चन आसान है आपको, इसकी क्यूब की वैल्यू पूछा है, हम जानते हैं इसकी क्यूब है, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स की वैल्यू पूछा है तो -3abc होता है, प्लस कर लीजिए 3 × 15 = 5 हाथ में 3 × 10 = 0 हाथ में लगाइए 3 × 5 = 405 11/121 -9 11 × 112 कर लीजिए 11 × 22 11 × 22 हाथ में लगा 2 × 11 = 12 13 × 3 हाथ में लगा 1 × 11 = 12 1232 × 405 माइनस कर दीजिए आंसर आ जाएगा 827 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, थोड़ा ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, करा 732 किस धन पूर्णांक से विभाजित किया जाए सेसफल 12 आए, एक्स के कितने मान संभव हैं, तो हम 732 को ना डिवाइड करके हम 12 माइनस करके 720 के फैक्टर देखेंगे, 720 के फैक्टर देखेंगे, 720 के फैक्टर कितने आएंगे 9 8 72 मतलब 3² 2² 4 × 5 ये आ जाएंगे, टोटल फैक्टर कितने आएंगे, टोटल फैक्टर देख लीजिए 3 × 4 = 5 × 10 इसके जो पावर है सबको ऐड करके कर दीजिए
30 टोटल फैक्टर आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि x कितने मान से बने, तो x की जो वैल्यू है 12 से बड़ी होगी, तो 12 से छोटी वाली सारी वैल्यू घटा देंगे, 720 को जो डिवाइड करते हैं कौन करेगा, एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, चार करेगा, पाँच करेगा, छः करेगा, सात नहीं करेगा, आठ करेगा, नौ करेगा, दस करेगा, ग्यारह नहीं करेगा, बारह करेगा। टोटल कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, नौ, दस है। तो दस माइनस कर दीजिए, टोटल कितने एक्स के मान समय 20। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 ही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है एम और डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2। ए एम की वैल्यू 25/2, और ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी लंब है तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×24/25। ए डी की वैल्यू आ गई 7×24/25, और इसकी वैल्यू 25/2 पता है, तो हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे। देखिए 7×24/25 रेशियो 25/2 कर लीजिए, 25 को जो मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा, 625 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। तो हमारा आज 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया क्योंकि इस पेपर का लेवल ज़्यादा था, कैलकुलेशन इसमें अच्छे खासे आए थे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो और मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, बाय, गुड नाइट।